तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद चोला डायनेस्टी। तो बता सकता है एस्टैब्लिश किसने किया था चोला डायनेस्टी को? विजयालय। राइट। तो जनरली वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि तीन डायनेस्टी थी, चोला, चेरास एंड पांड्यास। तो जनरली हिस्टोरियंस में ये अभी भी कंटेंशियस इश्यू है कि एग्जैक्टली क्या ये वही चोलास थे जिनके बारे में लिखा गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इनको डिस्टिंक्ट रखने के लिए कि ये शायद डिस्टिंक्ट है तो इनको जनरली इम्पीरियल चोलास ऑफ तांजौर बोला जाता है। ठीक है। सो ये याद रखना कि तांजौर से ये बेसिकली रिलेटेड थे। सो अगर हम लोग रीअरेंज करना चाहें ये प्लेसेस थी, जैसे अभी हमने देखा इम्पोर्टेंट जो जो अभी हमने देखा तमिलनाडु से रिलेटेड, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना चाहे तो कर सकते हो क्या तांजौर को? शायद तांजौर साउथ मोस्ट में आएगा। कंची, तांजौर एंड मदुरई आई गेस। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो ये देख लो, यहाँ सबसे नॉर्थ में चेन्नई है। ठीक है, ये चेन्नई कैपिटल हो गया। चेन्नई से थोड़ा सा सदर्न वेस्टर्न साइड में कांचीपुरम है, उससे नीचे जाओगे तांजौर और तो तांजौर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तांजौर तिरुचिरापल्ली, तो ये यहाँ पे है तांजौर। ठीक है, एंड उससे नीचे जाओगे मदुराई आएगा, उससे नीचे जाओगे तिरुनेलवेली आएगा। तो इस सेंस में थोड़ा सा ये माइंड में मेंटल मेकअप होना चाहिए कि हम अगर प्लेस की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो कांचीपुरम ऊपर था, पल्लवास। ठीक है, पल्लवास यहाँ पे थे कैपिटल, और तांजौर जो था वो यहाँ पे चोलास का जो कैपिटल था वो था। ठीक है, तो ये याद रख सकता हो। इससे पहले हमने पांड्यास के बारे में यहाँ पे है ना तांजौर। हाँ हाँ, मतलब क्या है ये लाइक वो जो ग्रीन दिख रहा है ना यहाँ पे तांजौर के पहाड़ी की बात कर रहे हो क्या? पहाड़ी कावेरी डेल्टा है ये। हाँ राइट। ये देख लो, ये नदी दिख रही है ना? हाँ सॉरी, ये कोलीदम रिवर है। ये शायद ट्रिब्यूटरी होगा उसका। ट्रिब्यूटरी। काफी सूखा पड़ा है। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। तो बस ये सीक्वेंस देख लेना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पीडीएफ दिख रहा है ना? अभी तो पीडीएफ खोला हुआ है, बुक वाला। ठीक है। हाँ, तो जैसे हमने डिस्कस किया था विजयाला जो थे कांचीपुरम का मतलब मॉडर्न नेम कुछ और है या फिर कांचीपुरम ही है? कांचीपुरम है ना? कांचीपुरम की हम साड़ियाँ बोलते हैं, कांचीपुरम साड़ी, वही चीज है कांचीपुरम। ओके ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज विजयाला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इनके टाइम पीरियड में देख लो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया पांड्यास जो थे ये मदुराई कैपिटल था, चेरास भी रहे थे, होयसालास, चालुक्यास, बाद में काकाटियास, ईस्ट गंगा। ठीक है, तो ये 1100 जो एडी है उसका टाइम पीरियड का मैप है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रकूटास वगैरह जो है वो एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है, एंड चालुक्यास वो उनके कुछ रेमिनिसेंस जो थे वही रूल कर रहे थे। ठीक है, सो विजयाला फाउंडर थे, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मेजर रूलर जो थे इसमें आदित्य I थे 1871 से 1907। ठीक है, सो एट द बैटल ऑफ श्री पेरुम्बियम ही अलाइड विद पल्लवास एंड डिफीटेड पांड्यास। ठीक है, and as a recompromise received territories in Tanjore. Later he defeated and killed his Pahlava overlord Aparajita, thus bringing Tolai Mandalam under his control. ठीक है, तो Tolai Mandalam जो कि initially capital था Palwas का, वो अपने अंडर आ गया था। ठीक है, फिर ऐसा करके ये एक दूसरे के साथ अलाइड, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे कि इससे अलाई कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम उससे अलाई कर लिया, तो ऐसा करके उन्होंने सब चीजें अपने अंडर में ले आया था। ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट प्राण टकाते, तो ही कैप्चर्ड मदुराई एंड टुक द टाइटल ऑफ मदुरान टका। ठीक है, एंड मदुराई कोंडा, कैप्चर ऑफ मदुराई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। Next, he was defeated by Rashtrakuta ruler Krishna III at the Battle of Takulam. So Krishna III assumed the title of conqueror of Kanchi and Tanjai. Okay. So ये देख लेना. Next, Prantaka and Sundara Chola, उन्होंने वो टेरिटरी रिकवर करी थी. नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट सीधे इम्पोर्टेंट रूलर पे चलते हैं. तो राजा 1, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे. कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर. He helped to raise the Chola Empire to become the greatest dominion in the southern India till 13th century. तो इन्हीं के efforts थे जिसकी वजह से ये एक तरीके से peak पर आ गया था. ये जो dynasty है peak पर आ गई थी. So he destroyed the Chera navy at Tirunelveli, attacked Kilan and captured Madurai, but also annexed the northern part of Sri Lanka and named it as Mumbadi Chola Mandalam. ठीक है, मुंबड़ी चोला मंडलम ये शब्द जो है श्रीलंका के लिए इस्तेमाल किया गया था और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका ऑक्यूपाई कर लिया था. ये ऑल्सो कॉन्कर्ड मालदीव्स. ठीक है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी वो लोग गए, मतलब ये गए चोलास. एंड इसीलिए इनके नाम में हम कहते हैं ना कि इंपीरियल चोला बोलते हैं. तो इन्होंने एरिया कैप्चर किए थे बाहर भी इंडिया से, जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी का ही पार्ट होता है, इसलिए इंपीरियल चोला बोला जाता है इनको. सो ही लेड अ नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर. तो हमने पढ़ा था शैलेंद्र एम्पायर जो था वो अभी मालयन पेनिनसुला के अंदर था, जिन्होंने बेसिकली पाला जो रूलर थे उनसे वो रिक्वेस्ट की थी कि हमको वहां पे आप डोनेट कर दो कुछ एक मॉनेस्ट्रीज टू नालंदा यूनिवर्सिटी. तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर धर्मपाला ने वो चीज करी भी थी. सो सेंस में याद रखना. एंड इन्होंने अपने सारे जो कंटेम्प्रेरीज थे सबको हरा दिया था. वेस्टर्न चालुक्यास, राष्ट्रकूटस, तो इन सबको हरा दिया था. एंड अपना जो पूरा एक किंगडम है उसको बहुत बड़ा कर लिया था. तो तुंगभद्रा जो दुआब है वो इनके अंडर था. इन 110 ही कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरा या बृहदेश्वरा टेम्पल. तो ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ये जो नाम है राजा राजेश्वरा और बृहदेश्वरा ये एक ही टेम्पल के नाम है, जो कि तांजौर में है करंटली. ठीक है, तांजौर हमने मैप में लोकेशन भी देख लिया कहाँ पे है. सो ये टेम्पल इंडिया का अभी सबसे हाईएस्ट टेम्पल भी है. ठीक है, सबसे ऊंचा टेम्पल है ये तांजौर का, ये बृहदेश्वरा टेम्पल. तो याद रखना ये राजा 1 ने बनवाया था. एंड तो ये इमेज है इसका. ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल का देख सकते हो. द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, कैसे वो मंदिर जो है वो वॉल्टेड रूफ स्ट्रक्चर है एंड ऊपर जो है इसके वो जो वाहना होता है या विमाना होता है वो चीज है. तो ये याद रख सकते. So, ये चीज याद रखना. During his reign, he developed and reorganized excellent revenue system, where the land was surveyed and the revenue was assessed. Interestingly, he referred to as Ulakanda Perumal. ठीक है, तो ये याद रखना. नहीं था इनके बारे में किसी को कुछ ऐड करना है क्या? अगर क्वेश्चन आएगा कि वो कंकर्ड श्रीलंका तो फिर क्या होगा, कौन सा कहेंगे? क्या श्रीलंका को किसने जीता? हाँ, तो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा सा कंटेंशियस आंसर हो जाएगा. क्योंकि राजा 1 ने जरूर आक्रमण जरूर किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ नॉर्दर्न श्रीलंका ऑक्यूपाई किया था. बाद में फिर राजेंद्र चोला एक और एक्सपीडिशन लेके जाते हैं, पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो उस सेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, बट अगर ऐसा पूछता है तो वो पूरा एक्सप्लिसिटली चीजें बताएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. तो वैसे तो दोनों ने ही एक्सपीडिशन लिए थे श्रीलंका के खिलाफ. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लो. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज राजेंद्र 1. ठीक है, राजा का ही बेटा था राजेंद्र 1. सो ही फॉलोड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ हिज फादर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था वो करते रहे. तो ही कंप्लीटेड द विक्ट्री ऑफ सिलोन बाय डिफीटिंग द श्रीलंकन किंग महिंदा 5. ठीक है, तो जो चालू किया था काम, जैसे चालू जो काम था वो राजा 1 ने किया था श्रीलंका पे अटैक से टेरिटरी ऑक्यूपाई करने का, उसको कंप्लीट राजेंद्र 1 ने किया था. ठीक है, ही कंप्लीटली ओवरहैंड पांड्या एंड चेरा एंड इंक्लूडेड देम इन हिज एम्पायर. ठीक है, फिर वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में भी अपना एक्सपीडिशन लेके गए, विच वॉज टेकन बाय द ग्रेट, जहाँ पे उन्होंने जो पाला रूलर थे महिपाल 1 उसको हराया था एंड वेस्टर्न चालुक्यास को हराया था. ठीक है, तो वो अपना एक्सपेडिशन लेके गंगा नदी तक पहुंच गए थे, इसलिए फिर उन्होंने ये टाइटल अज्यूम किया गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो कोंडा मीन्स अगेन विनिंग, गंगाई मतलब जिसने गंगा के ऊपर तक विक्ट्री कर ली है, तो ये टाइटल इन्होंने अज्यूम किया और इसी नाम से एक सिटी भी एस्टेब्लिश किया और एक मंदिर भी एस्टेब्लिश किया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि गंगाईकोंडा चोलापुरम में तो शायद गंगा के आसपास बनाई होगी, ये गंगा के आसपास नहीं, ये कावेरी रिवर के माउथ पे बनाई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, अभी भी ये सिटी एग्जिस्ट करती है गंगाईकोंडा चोलापुरम की। ठीक है, सो ही बिल्ड अ शिवा टेम्पल हियर एंड एक्सकवेटेड अ टैंक कॉल्ड चोदागर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ, ही डिस्पैच नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट द रिवाइव्ड श्री विजया एम्पायर। श्री विजया मतलब मालयन पेनिनसुला की बात हो रही है जहाँ पे वो शैलेंद्र डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो चीज है। हाँ, so the rulers of Shailendra dynasty were Buddhists and earlier had cordial relations with Chola. In fact, Shailendra ruler had built the Buddhist monastery at Nagapattinam. ठीक है, अभी recently हमने एक पेपर में शायद फोरम वाले में देखा था, नागापट्टनम के बारे में पूछ रखा था। तो नागापट्टनम जो है it's basically related to a port city in Tamil Nadu. ठीक है, and at his instance, Rajendra I endowed a village फॉर इट्स अपकी। ठीक है, सो ये याद रखना कि ये शैलेंद्र डायनेस्टी ने दो लोगों को रिक्वेस्ट किया था, एक धर्मपाला को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो मॉनेस्ट्री है या जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, उसके लिए गांव डोनेट करो, तो उन्होंने किया था। फिर इन्होंने राजेंद्र वन को भी रिक्वेस्ट किया था कि नागापट्टनम में जो मॉनेस्ट्री है उसकी अपकीप के लिए गांव डोनेट करो, तो वो चीज इन्होंने करी थी। सो ये याद रखना। फिर जब हमने डिस्कस किया था कि नेवी जो थी, हमने तीन के अंदर पढ़ी है कि इंडिया के अंदर नेवी काफी सुप्रीम, तीन इंडिजिनियस लोगों के अंडर हुई थी। पहला हुआ था अंडर चालुक्यास, देन अंडर चोलास एंड लास्ट में फिर शिवाजी के अंडर हुई थी। सो चोला नेवी वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया फॉर सम टाइम, एंड वो इतनी स्ट्रांग थी और इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था कि जो बे ऑफ बंगाल है उसको दे कन्वर्टेड इनटू चोला लेक, तो उसको कॉमनली चोला लेक बोलने लगे थे, इतने बड़े समुद्र को। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक्सपेंशन कर लिया था फर्स्ट। एंड देन ही वाज आल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, एंड इसीलिए उनको ये टाइटल भी दिया गया था पंडिता चोला का। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो इनके बारे में। बाकी फिर इतने इम्पोर्टेंट रूलर नहीं थे, तो उनके टाइटल वगैरह भी आई डोंट थिंक पूछेगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, वहां ऊपर वो देखें। हाँ, एक मिनट। हाँ, राजाधिराजा के अंडर ही एक नाम है अनुराधपुरा करके, चोलास डिस्ट्रॉयड अनुराधपुरा, तो ये एंशिएंट नेम है श्रीलंका का। श्रीलंका करेक्ट, हाँ, तो ये देख लेना, अनुराधापुरा करके एंशिएंट नेम था श्रीलंका का। ठीक है, श्री विजया जो था वो मलेशिया के लिए इस्तेमाल हो रहा था और अनुराधापुरा जो है वो श्रीलंका के लिए इस्तेमाल हो रहा था। राइट, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट काला तुंगा जो थे वो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। द लास्ट इम्पोर्टेंट चोला किंग हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ चुंगमताविर्ता अबॉलिशर ऑफ टोल। ठीक है, मतलब ये टाइटल याद ना रहे तो बस इतना याद रखना है, इन्होंने टोल जो थे सारे अबॉलिश कर लिए थे, तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन जो फाइनेंशियली जो किंगडम था वो बैंकरप्ट हो गया था और इन्हीं की वजह से थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट भी चालू होना शुरू हो गया था। So, ये देख लेना, Chola embassy of 70 merchants were dispatched to China and they took tribute such as glassware, camphor, etc. तो ये याद रख लेना। अभी आई थिंक हमने दो के अंडर पढ़ी थी, ये तीसरे फोर निकला है अभी, इनके बारे में मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता था। तो इससे पहले हमने किस किस के अंडर पढ़ी है कि उन्होंने एम्बेसी सेंड करी थी चाइना में? अभी पढ़ा था ये, तो कोई भी बुला दो। एक तो हर्षवर्धना ने करी थी, दूसरा नरसिम्हा वर्मन सेकंड जिनको राजसिम्हा नाम से जाना जाता है, पल्लवा डायनेस्टी के अंडर उन्होंने करी थी, एंड देन थर्ड ये चोला डायनेस्टी वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि इन्होंने भी एम्बेसी सेंड करी थी। हाँ, द क्लासिक राइटर कंबन हू रोट रामायण इनटू तमिल वाज अंडर हिज कोर्ट। ठीक है, तो ये देख लेना कंबन को इन्होंने पेट्रोनाइज किया था कलतुंगा ने। ठीक है, बस इतना ही था इसके बारे में इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो द चोला इंस्क्रिप्शन जनरली रिफर्ड टू किंग एज को पेरुमल अधिगल राजा को कोनमई कोंडन। ठीक है, तो ये टर्म्स पता होने चाहिए। को पेरुमल अधिगल बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली चोला एम्पायर के अंडर किंग्स के लिए टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड द किंग्स वर ऑफन कंपेयर टू गॉड डायरेक्टली और विद द यूज ऑफ डबल एंट्रेडे। For instance, Chola King Rajaraja was referred to as Ulka Ananda Perumal, that is the great one who measured the earth, like God Vishnu. Okay. God Vishnu की तरह जिन्होंने 3 पाँव में उन्होंने पूरा धरती नाप दिया था, उसी तरीके से जो राजा हैं उन्होंने पूरा अर्थ कवर कर दिया था। तो उस सेंस में ये नाम दिया गया था। सो याद रखना। हाँ, इनके टाइम पीरियड के अंदर द वेनिशियन ट्रैवलर मार्को पोलो हु विजिटेड केरला इन द 13th century राइट्स दैट ऑन द डेथ ऑफ मोनार्क ऑल हिज बॉडीगार्ड बर्न देमसेल्फ इन द फ्यूनरल फायर। तो अभी भी शायद इस टाइप का ट्रेडिशन फॉलो होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर मर जाता है तो फिर वो सब रोने लग जाते हैं, अपने आप को जलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी इस टाइप का वो फॉलोइंग रहता ही है वहां पे, है ना। तो वो चीज थोड़ा देख लेना। एंड नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो चोला मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जिनमें से एक था एलिफेंट, फिर था कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार हॉर्समैन होते थे वो, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सैनिक होते थे वो। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में था। और जो एम्पायर था इनका, इट वॉज डिवाइडेड इनटू राज्यम्स। जो प्रोविंसेस थे उनको राज्यम बोला जाता था, सॉरी जो पूरा का पूरा एम्पायर है उसको राज्यम या राष्ट्रम बोलते थे। एंड फिर जो प्रोविंसेस थे उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता मंडलम। ठीक है, सो ईच गवर्न बाय गवर्नर और वाइसरॉय। ठीक है, ऑफिशियल्स वर गिवन वर जनरली पेड बाय गिविंग देम असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स। ठीक है, उनका जो सैलरी था वो रेवेन्यू बेयरिंग लैंड से उनको मिलता था। देन द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू कोटम्स और वलानाडु। ठीक है, व्हिच वर अगेन डिवाइडेड इनटू नाडूज मीनिंग डिस्ट्रिक्ट। एंड फिर उनके नीचे ऑटोनॉमस विलेजेस हुआ करते थे। तो इस सेंस में याद रखना जो डायनेस्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रॉडली कोई समराइज करेगा, मतलब क्या क्या यूनिट्स थे, जो स्टेट और उसके नीचे कैसे डिवाइड किया जाता था। स्टेट राज्यम है उसके शायद नहीं, स्टेट राज्यम नहीं है, स्टेट इज एंटायर कंट्री जो उनका एम्पायर था। राइट, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो राज्यम था, फिर मंडलम था। ठीक है, मंडलम मीनिंग प्रोविंसेस के नीचे ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट था जिसके लिए कोटम इस्तेमाल होता था शब्द, कोटम या वलानाडु। ठीक है, वलानाडु के नीचे वी हैड नाडूज। ठीक है, नाडू मतलब डिस्ट्रिक्ट, एंड नाडूज के नीचे फिर विलेजेस होते थे। ठीक है, तो ये देख लेना, ये ब्रॉडली डिस्टिंक्शन रहता था, यूनिट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे आगे भी पढ़ेंगे। ऑटोनॉमस विलेज थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि विलेजेस में अपने आप में एक ऑटोनॉमस एंटिटी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय श्रेणीज और पुगास और गिल्ड्स। ठीक है, सो मंडलम जो था दे वर हेडेड बाय वाइसरॉय। ठीक है, देन नाडूज जो हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर लैंड, तो वहां पे 2 डिस्टिंक्शन होते थे, नटर और नगरम। ठीक है, नगराटर भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, बट ये नगर आई थिंक थोड़ा सा इजी है रिमेम्बर करने के लिए। नटर होता था असेंबली ऑफ लीडिंग मैन ऑफ नाडू, एक डिस्ट्रिक्ट के जो लीडिंग मैन होते थे उनकी असेंबली होती थी, नटर। और नगरम जो होता था वो जो मर्चेंट्स होते थे उनके ग्रुप को बोलते थे। ठीक है, तो याद रखना, नटर मीन्स असेंबली ऑफ लीडिंग मैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और नगरम जो था वो मर्चेंट्स का ग्रुप था। ठीक है, सो ये था। ये नगरम जो था फर्दर नीति का लॉजिक ही यूज कर सकते हैं। लाइक द अदर डे नीति सेड आएगा के लिए व्हिच एंडेड विद आर नो ए आर, तो किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो नटर भी ऐसा ही लीडिंग मैन ऑफ ए आर से एंड हुआ ना। ठीक है ठीक है, तो अलग अलग टाइप के नगरम थे तो देख लेना। फिर ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दी गई, जो ग्रुप्स थे, इनका भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता था विच वॉज रेफर्ड टू एज समया, दैट इज क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ समया वर गवर्न्ड थ्रू अ कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड बनाजू धर्म। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था समया, और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता था उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता बनजू धर्म। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार नजरों के सामने से निकल जाएगा, तो अगर गलती से आ भी गया तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट हमने ये चीज देखा कि अपने आप में आज का जो पंचायती राज है, कहीं ना कहीं वो पंचायती राज इनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो राइट था वो विलेजेस को दिया गया था। ठीक है, तो उस सेंस में देख लो, एक असेंबली होती थी उर, और एक असेंबली होती थी दूसरी जो होती थी कॉल्ड महासभा या सभा। तो दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? So what was the difference between Ur and Sabha? Ur शायद बोलो। और दीप्ति आप बोलो। उर शायद जनरल असेंबली थी और सभा शायद विलेज में जो इम्पोर्टेंट पीपल है उनका असेंबली होगा। हाँ, तो और के लिए सही बोला, जनरल असेंबली थी जहाँ पे लोकल रेजिडेंट जो थे नॉन ब्रह्मदेया विलेज, नॉन ब्रह्मदेया मतलब ऐसे गांव जो कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिए गए हैं, उनके जो मैटर्स होते थे वो उर के अंदर डिस्कस होते थे। ठीक है, तो याद रखना उर इज फॉर लोकल पीपल की विलेज की, नॉट एग्जैक्टली एवरी टाइम पीजेंट नहीं था, लोकल लोग और भी हो सकते थे, लेकिन बस ये था कि लोकल पीपल है जो कि ब्रह्मदेया लैंड से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ये उर था। नेक्स्ट जो सभा था वो जनरली एक्सक्लूसिव ग्रुप था ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, जहाँ पे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एडल्ट मेल जो थे, वो ब्रह्मदेया या जो रेंट फ्री जो विलेज था जो कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था बाय द किंग्स एक्सेट्रा, तो उनका जो मेंटेनेंस था वो सभा करती थी। तो सभा याद रखना ब्राह्मण का जो लैंड था, या अग्रहारा भी बोला जाता है या ब्रह्मदेया भी बोला जाता है, तो उनकी गवर्नेंस के लिए था। ठीक है, सो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देयर वाज क्लोज लिंक बिटवीन ब्राह्मण सभा एंड द चोला कोड, टू इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्मेरू। तो याद रखना उत्मेरू इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चोला किंगडम। ठीक है, बाकी इतना नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। फिर देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी विच लिंक्ड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, टैंक कमिटी नोन एज इरीवरिया। ठीक है, तो ये ऐसा पूछ सकता है कि ये इरीवरिया जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये टैंक कमेटी थी और उससे ये रिलेट करती थी। नेक्स्ट द चोला विलेज असेंबली वाज एब्सोल्यूट प्रोप्राइटर ऑफ द विलेज एंड आल्सो द न्यूली एक्वायर्ड लैंड एंड द मेन इनकम। बोलो। एरी पीवाईक्यू में भी आया था ना, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड में एरी, तमिलनाडु में एरी कहते थे। एरी पट्टी क्या? बस एरी, दैट्स इट। तो ये एरी वारिया ऐसे याद रख सकते हैं, टैंक कमेटी। ये 2016 का भी देखा। आएंगे शायद एरी पट्टी शायद उसी में ही था, पानी से ही रिलेटेड था, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के लिए। ठीक है, तो देख लेना रैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। ठीक है, रॉयल ड्यूज वर कलेक्टेड बाय द विलेज असेंबलीज एंड वर पेड इन ईदर कैश और काइंड। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर पेड इन ईदर कैश और काइंड। ठीक है, तो ये याद रखो। एंड द चोला गवर्नमेंट कैरिड आउट लैंड सर्वेज, तो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज में टर्म देखा था कॉल्ड कुड्डू ओलई, तो बता सकता क्या था? कुडा ओलई, KUDA Bolai. वही होगा, क्या होगा? बॉन्डेड लेबर है क्या? नहीं, लैंड सर्वे ही में देखा है। नहीं भाई, लैंड सर्वे नहीं है। हर बार जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे जरूरी नहीं है क्वेश्चन। कोडो बोले जो था ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड नहीं। अच्छा, लैंड ये था विलेज। अरे बोलने दो भाई। कोडो बोले जो सिस्टम था वो विलेज इलेक्शन से रिलेटेड था। ये अभी रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज में भी देखा था, तो याद रखना कोडो बोले इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ विलेज हेडमैन। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा भी था, बहुत इलेबोरेट क्राइटेरिया होता था कि वो उस पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं होना चाहिए, उसे वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, ही शुड बी अ मैन ऑफ गुड पर्सनालिटी। तो वो सब चीजें इसके क्वालिफिकेशन में थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। डिस्क्वालिफिकेशन में थी ये सारी चीजें, डिस्क्वालिफिकेशन में थी। क्वालिफिकेशन में के इतना लैंड होना चाहिए उसके पास। वो 1 वैली होता था और वैली मेजरमेंट ऑफ लैंड है। ठीक है, उसमें और एज भी था कि 30 to 70 years के बीच होना चाहिए। ये सारी चीजें, अपना एक घर होना चाहिए। So the different inscription put out to several instances of land transfer via sale, gifting, and involving the transfer of any rights. That is the right of possession. ठीक है, तो वो सब जो है वो विलेज एडमिन की परमिशन से ही होते थे। तो ये देख लेना। ठीक है, बाकी इतना नेटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे तो पूरा डिक्शनरी बन जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को आगे चलते हैं। सो द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द कास्ट लाइन एंड द स्टेटस ऑफ परियार विच मीन्स अनटचेबल कंटिन्यू टू बी पैथेटिक। ठीक है, सो अनटचेबल्स की तो हर जगह हालत खराब हुई थी। वेलालास जो हमने पहले पढ़ रखा था, वेलालास का मतलब जो फार्मिंग कम्युनिटीज थी उनसे रिलेटेड था। ठीक है, so were identified with Shudra Varma, but since they were heralders of land and generally economically powerful, they did not suffer from any kind of discrimination. ठीक है, तो ये वेलाला कम्युनिटी है, अभी भी काफी पावरफुल है तमिलनाडु एरिया के अंदर। ठीक है, एंड एक क्रूशियल यूनिक डेवलपमेंट भी हुआ था ऑफ सुप्रा कास्ट डाइकोटमी। तो इसमें 2 डिस्टिंक्शन आ गए थे फर्दर, इडंगई और वलंगई। ठीक है, तो इडंगई मतलब लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग जिसके अंदर जनरली जो आर्टिसनल और ट्रेडिंग कम्युनिटी वो आती थी। वेलंगई जनरली कंसिस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रुप। तो वेलंगई को आप इस तरीके याद रख सकते हो कि वेलालास हमने फार्मिंग कम्युनिटी से पढ़े थे, तो वेलालास मतलब एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जनरली राइट हैंड डोमिनेंट हैंड होता है, तो वो राइट हैंड कास्ट ग्रुप है। मतलब याद रखने का ऐसा तरीका बता रहा हूँ, बाकी ऐसा वो है नहीं, कैसे ही होता है। ठीक है, सो वेलंगई याद रखना एग्रीकल्चरिस्ट थे, राइट हैंडेड थे, और इदंगई व्हिच मींस लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुप, तो आर्टिसनल और ट्रेडिंग कम्युनिटी होते थे। सो ये चीज याद रखना। एंड जो टेम्पल्स थे वो भी अपने आप में काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लग गए थे इस पीरियड के अंदर, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अग्रहाटा, व्हाट इज अग्रहाटा? तो अग्रहाटा का मतलब पर्शियन व्हील होता है। ठीक है, ये इस टाइप का, तो ये भी इनके टाइम पीरियड में यूज होने लगा था, जिससे जो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर जो होता था वो थोड़ा और डेवलप हो गया। ठीक है, उस सेंस में याद रख सकते हो। राइट, और किसी को कुछ ऐड करना है? लिफ्ट इरिगेशन है ये जो व्हील है ना। राइट, लिफ्ट इरिगेशन हो रहा है, पानी को नीचे से ऊपर उठा के ला रहा है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, वैसे काफी टर्म देख लिए तो ओवरलोड हो जाएगा, तो ये टर्म्स को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। बाकी तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी हमने देख ली थी। नेक्स्ट, चोला आर्ट एंड लिटरेचर काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि चोला का जो आर्किटेक्चर था ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, या जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है इनके टाइम पीरियड पे क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। तो टेम्पल हैड अ पिलर्ड हॉल कॉल्ड मंडपा व्हिच वाज यूज्ड एज एन ऑडियंस हॉल आल्सो। ठीक है, एंड द टेम्पल हैड अ लॉफ्टी एंड एलैबोरेट गेट्स कॉल्ड गोपुरम्स। ठीक है, ये गोपुरम्स की हाइट सबसे मैक्सिमम किस डायनेस्टी के अंडर हो गई थी? चोलास में मतलब सबसे बड़ा तो बृहदेश्वरा है, तो चोलास का ही होना चाहिए। गोपुरम अलग चीज है, गोपुरम इज द एंट्रेंस ऑफ द गेट। ठीक है, जैसे तोरण हम पढ़ते हैं ना एंट्रेंस पे होती है, जैसे गोपुरम एंट्रेंस पे होता है। तो सबसे ग्रैंड गोपुरम्स, मतलब इनिशियली क्या रहता था कि जो विमाना है या जो गर्भगृह के ऊपर जो टावर है वो सबसे ऊंचा हुआ करता था जनरली, जैसा हमने बृहदेश्वरा टेम्पल में भी देखा है। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि गोपुरम जो है वो जो गर्भगृह के ऊपर जो विमान है उससे भी ऊंचा बनाने लग गए थे। तो वो एक्चुअली शुरू हो गया था अंडर द विजयनगर डायनेस्टी। ठीक है, राय गोपुरम बोलते थे उनको। वो विलेज के जो टेम्पल का जो विमान था उससे भी ऊंचे हो गए थे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे थे हम। ऑलराइट, सो हमने देखा टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में पलवास के अंदर बना था। सिमिलरली बृहदेश्वरा टेम्पल एट तांजावुर इज अनदर स्पेसिमेन ऑफ द्राविड़ा, जो कि राजा राजा जो वन थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, यही था इसमें तो इम्पोर्टेंट। सो ये कैलाशनाथ टेम्पल है कांची के अंदर। दिस इज होयसाला शिवरा टेम्पल, जो होयसाला डायनेस्टी बनाती है, जो विशाला स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, इस बात में तो आई गेस इतना ही है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज और होती है इनके अंदर, जो तांडवा जो स्कल्पचर है मेटल की ऑफ लॉर्ड शिवा, उसका या जो नटराज का जो स्कल्पचर है वो अपने पीक पे पहुंच गया था। ठीक है, सो वो भी चीज है। इसके अलावा लिटरेचर की बात करें तो हमने इसमें देखा था फेमस वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा, विच वाज क्या नाम था इस लिटरेचर का, अमोघ वर्षा ने जो लिखा था राजमार्ग। करेक्ट, कविराज मार्ग। ठीक है, तो उसको याद रखना। इसके अलावा द फेमस ट्रिनिटी ऑफ पंपा, पोना एंड रोना, रन्ना। ठीक है, तो ये भी इनके टाइम पीरियड पे ही थी। एंड पंपा ने कौन सी बुक लिखी थी? आदि पुराना बुक पढ़ी हुई है। करेक्ट, आदि पुराना इन्होंने बुक लिखी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना, जिनासेना आएगा तो उन्होंने भी वो आदि पुराना लिखे, बट प्रॉब्लली शायद डिफरेंस ये है कि पंपा ने उसको कन्नड़ा में लिखी है, जिनासेना ने शायद उसको संस्कृत में लिखी है। बाकी डिटेल में एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है। शायद बोलते हैं कि आधा इन्होंने लिखा था पंपा ने, आधा जिनासेना ने लिखा था, तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये देख लो, ये इमेज है इसके अंदर इसका लॉर्ड नटराज का जो आइडियल रहता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स हैं इनके, ये रिप्रेजेंट करते हैं शतगंगा के डिसेंट को, एंड उसके अराउंड ये जो सर्कल है उसके ऊपर फायर रिंग्स है। ठीक है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में फायर है। डमरू मतलब वो ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन रिदम के थ्रू, एंड फायर से बेसिकली ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट इज बैड। ठीक है, एंड नीचे पांव के अंदर वो एक डेविल को दबा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि वो जो कह सकता है ना कि भक्तों के मन में जो पाप है उसको हटा रहे हैं। सो इसी तरह तो हमने देख लिया था कि उन्होंने वो बुक लिखी थी। एंड संस्कृत स्टिल रिमेन द पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस अमंग द एलिट्स एज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। इम्पोर्टेंट वर्क कंपोज इन संस्कृत इन द पीरियड वॉज Katha Sarita Sagra, which was collection of stories. Rajat Rangini, a vivid account of King of Kashmir Kalhana. ठीक है, गीत गोविंदा वगैरह लिखा गया था। ठीक है, इस पीरियड के टाइम पे। तो इतना इसमें इम्पोर्टेंट था, बाकी yes, I don't think कुछ और इम्पोर्टेंट था। तो किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ठीक है, तो आई गेस यहीं पे इसको एंड करते हैं। ये देख लो, यूपीएससी में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो अग्रहाट अभी हमने जस्ट देखा, ये वाटर व्हील था इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट ये तो हमने कई बार देख लिया क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया at that time. In this context, which of the following statement is or are correct? The roads and river routes were completely immune from robbery. Next, as regards punishment for offences, ordeal by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of person. Next, the tradesmen had to pay duties at ferries and बैरियर स्टेशन। तो क्या मार्क करना चाहिए इसमें? आंसर डी बी ना, बॉम्बे लग रहा है। फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कंप्लीटली तो नहीं होगा। फर्स्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। हमने देखा था ना, ही वाज रॉब्ड, उसने बोला था इम्यून नहीं थे, तो सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर होना था। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो 2012 का क्वेश्चन था, विद द रेफरेंस ऑफ गिल्ड श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंडियन कंट्रीज इकोनॉमी, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एवरी गिल्ड वर रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट and the king was the chief admin authority on them. Next, the wages, rules of work, standards and prices were fixed by the guild. Third, the guild had judicial power over its own member. तो क्या मार्क करना चाहिए इसमें आंसर? थर्ड थोड़ा ऑफ लग रहा है, judicial power on its own member. I think थर्ड तो एक्चुअली अभी हमने देखा था ना, करेक्ट ही था, हमने पढ़ा था श्रेणी का एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता था। हाँ, तो फोर्थ का आंसर डी था, सारे सही थे, दिल्ली था इसका आंसर। तो जस्ट अभी क्वेश्चन देखा ही था ना, ये हमने एक टर्म देखा था, श्रेणी जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, एक कोड ऑफ कंडक्ट, भुज्या अध्ययन का पता नहीं कुछ ऐसा नाम था। समय क्या था? समय कॉर्पोरेट जो ग्रुप्स थे उनके लिए, मतलब गिल्ड्स के लिए इस्तेमाल हो जाता था, एंड वो समय का ही एक कोड ऑफ कंडक्ट था। ठीक है, कहाँ देखा मैंने? हाँ, ये देखो, ये समय था, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब जैसे गिल्ड भी अलग अलग टाइप की होती थी, सिल्क के काम करने वालों का एक सिल्क गिल्ड होता था, घी के सप्लायरों का एक अलग गिल्ड होता था, तो वैसे ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए समय वर्ड इस्तेमाल होता था। और बनाजुनु धर्मा, ठीक है, बनाजुनु धर्मा ये शब्द इस्तेमाल होता था कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, तो उनके पास एक जुडिशियल पावर थी अपने मेंबर्स के अक्रॉस। सो ये था ब्रॉडली इसके अंदर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यूज वगैरह में देखे हुए हैं, तो उसमें जाने की जरूरत है। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विरूपाक्षा टेंपल इज लोकेटेड एट, क्या मार्क करोगे इसका आंसर? हम्पी। हाँ करेक्ट, ये हम्पी में है, तो ये टेंपल वगैरह का लोकेशन बताना चाहिए। हम्पी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा। करेक्ट, तुंगभद्रा। ठीक है, तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा। और तो विद दैट छोला वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं डिस्कशन को। किसी को कुछ और ऐड करना है?